हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 02 लेसन 7 नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये लेसन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और यहाँ से जो आपकी MHI 02 की जो बुक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बन जाएगी, क्योंकि आपको इसी तरह के टॉपिक्स आगे पढ़ने के लिए मिलेंगे। इससे पहले जो आपने 6 लेसन पढ़े हैं, ठीक है, 1 to 6, वो सारे बेसिक थी। अब इसके बाद जो आपका मेन, जो आपका क्वेश्चन जहाँ से पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में, वो आपके स्टार्ट होते हैं। आज का चैप्टर है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, नौकरशाही। आप में से बहुत सारे बच्चे इस वर्ड को जानते होंगे, नौकरशाही होता क्या है, ठीक है। नौकरशाही मतलब क्या? एक अवसरवादी, अवसर जो अवसरवादी मतलब तो होता है जो मौका परस्त, जो होता है ना, मौका का इंतजार करता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। मतलब अफसरशाही, जहाँ पे हम पेशेवर लोगों की बात करते हैं, IAS ऑफिसर हो गए, ठीक है। जैसे भारत की बात करें, UPSC क्लियर करने के बाद जो IAS IPS जो बनते हैं, जो पूरे सिस्टम को लीड करते हैं, जो सिस्टम की जो नस हैं, चलाते हैं सिस्टम को, ठीक है, उसको हम नौकरशाही के तौर पर ट्रीट करते हैं, ब्यूरोक्रेसी के तौर पर ट्रीट करते हैं, ठीक है। जो भी एक जिला के अंदर में कलेक्टर है, मजिस्ट्रेट है, ठीक है, IAS है IPS है, जितने भी अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, ये सारे क्या है, एक तरह से नौकरशाही है, ठीक है। जो सिस्टम के अंग है, जो सिस्टम के नस के तौर पर काम करते हैं, उसे हम नौकरशाही कहते हैं, ठीक है। अब नौकरशाही की शुरुआत भी कहीं से हुई होगी, कहीं से इसकी जन्म हुआ होगा, कहाँ पे किस तरह का इम्पैक्ट रहा, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में बांटा है। कारण क्या है 3 पार्ट में बांटने का? थोड़ा सा टाइम लगे, बट अच्छे से पढ़ो, थोड़ा सा समझ के पढ़ो, ठीक है। कम पढ़ो पर समझ के पढ़ो, ठीक है। किसी व्यक्ति ने कहा था, ठीक है, ब्रूसली ने, किसी व्यक्ति ने नहीं, ब्रूसली ने कहा था, वो आपको पता होगा, चाइना के बहुत बड़े फाइटर हैं, मतलब वो फिल्म में भी काम कर चुके हैं, सारी चीज़ें आपको जानकारी होगी पहले से। तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं है, ठीक है, जिसने हज़ार तरह के मूव को प्रैक्टिस किया है, ठीक है, हज़ार तरह के मूव्स को प्रैक्टिस किया, उस व्यक्ति से मुझे कभी डर नहीं लगा। रीज़न क्या है कि वो हज़ार तरह के मूव्स जानता है, इसलिए कारण से उसे डर नहीं लगा। हमेशा ब्रूसली को उस व्यक्ति से डर लगा, ठीक है, जिसने एक ही मूव्स को हजार बार प्रैक्टिस किया है। समझ रहे हो? आप एक ही चीज को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो, वो ज्यादा बेटर है। आप पूरी बुक पढ़ लिया आपने, आपको समझ में कुछ नहीं आया, बेकार है, ठीक है। उस व्यक्ति ने हजार मूव्स को ट्राई किया है, हजार मूव्स को सीखा है, बट वो बेकार है, ब्रूस ली उससे नहीं डर रहा। पर जिसने एक मूव्स को हजार बार प्रैक्टिस किया, ब्रूस ली उससे डर रहा है, क्योंकि उस मूव्स के अंदर में, उस जो तरीका है उसका, उसमें वो परफेक्ट हो चुका है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, इसके कारण से, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम उसी चीज़ को अपनाते हुए इसको 3 पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे, और आज पहले पार्ट के अंदर में हम नौकरशाही और राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर में हम बात करेंगे 3 अलग अलग कंट्री के बारे में, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, सोवियत संघ के बारे में, कि वहाँ पर नौकरशाही का अस्तित्व, जो अस्तित्व था, किस प्रकार से आया, किस प्रकार से उसका विस्तार हुआ और किस प्रकार से वो चला, पूरा हम देखेंगे। आने वाले पार्ट में हम बात करेंगे राजनीतिक पार्टियों के अंदर में ब्यूरोक्रेसी और ट्रेड यूनियनों में ब्यूरोक्रेसी के बारे में, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब दोस्तों रिस्पॉन्स सामने से नहीं मिलता है, जिस तरह का मेहनत करना पड़ता है मुझे, उसके बाद फिर वीडियो बनाने का दिल नहीं करता है, ठीक है। आप भी समझ सकते हो, एक मोटिवेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए। तो जब सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो सबसे ज़्यादा डिमोटिवेशन मुझे होता है। तो प्लीज़ यार, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको सब्सक्राइब के नीचे में ही आपको थैंक बटन दिख रहा होगा या ज्वाइन बटन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो आप अगर हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube जो चैनल है उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। छोटा सा अमाउंट पे करके, 21-22 रुपये का होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं हमारे YouTube चैनल के, और सभी चीज़ें आपको टाइम से मिलेंगी उसके लिए, ठीक है। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए और आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें नौकरशाही की शुरुआत हुई कैसे, कहाँ पर हुई, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि नौकरशाही की शुरुआत यूरोप में 15वीं शताब्दी में हुई थी और 18वीं शताब्दी तक पूरी तरह से हो चुकी थी, ठीक है। 15वीं शताब्दी के अंदर में, यूरोप के अंदर में नौकरशाही की, ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत हुई, ठीक है। यहाँ पे शुरुआत किस वर्ग के लिए हुई? तो जो सर्वसत्तावादी, जो शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। किन के ऊपर? जो मतलब जो जिनका काम होता था कि भैया ये सामंती, कुलीन, जमींदार जो होते थे ना, जमींदार लोग होते थे, जिनका काम क्या था? टैक्स वसूल करना। पहले क्या होता था, एक राजा होता था, मान लो किंग है, हेड, उसके नीचे में बहुत सारे जमींदार होते थे, कुलीन होते थे, ठीक है, सामंती लोग होते थे, सामंत होते थे। उनका काम क्या होता था कि टैक्स वसूल करके देना, अपने पास कुछ सैनिक रखना, ठीक है, राजा की जरूरत पड़ने पे हेल्प करना, इस तरह से चीजें चलती थी। तो राजा ने क्या किया कि इस चीज को खत्म करते हुए, अब राजा क्या सोचता है कि बंदा ये कभी कभी बगावत भी कर देते हैं, ठीक है, मेरी बात मानने से मना भी कर देते हैं, तो राजा ने क्या किया, इनका पद हटा दिया।
कि आज से आप सामंत जमींदार तो रहोगे, पर आपकी जगह पे कुछ अधिकारी लोगों को मैं नियुक्त कर रहा हूँ, वो अधिकारी मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे और वो उसकी जगह वर्क करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक अधिकारी नियुक्त कर दिया, ठीक है, कि भैया आज से इस वाले क्षेत्र का तू देखेगा, वसूल तो टैक्स यही करेगा पर लाकर तू मुझे देगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा ये तुझे बताएगा, तू मुझे बताएगा, ठीक है। तो जो ये बीच में अधिकारी नियुक्त किया गया, ये राजा के बहुत खास हुए, ठीक है, राजा से जुड़े हुए रहते थे, हमेशा संपर्क में रहते थे और खास होते थे, ठीक है। इस तरह से अधिकारी नियुक्त की गई, तो शुरुआत यहाँ से होता है ब्यूरोक्रेसी का, और ये धीरे 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 इतना ज्यादा प्रचलन में आ गया, ठीक है, कि जो ये सामंत होते थे, कुलीन होते थे, जमींदार होते थे, इनकी मतलब एक तरह से सत्ता छिनती चली गई, ठीक है, और अधिकारी वर्ग का कब्जा हो गया। तो यहाँ से यूरोप के अंदर में नौकरशाही की शुरुआत होती है, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, तो ये रूपांतरण आपको इसी तरह 19वीं सदी में भी देखने के लिए मिलता है, जब सामंतिक कुलीनों और छोटे छोटे जमींदारों को चुनौती इस तरह से मिल रही थी, और इन सभी के ऊपर राजा ने विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। राजा को इन सब सबको हटाना भी था अपने रास्ते से। रीजन क्या होता था कि कई बार ये राजा को चुनौती दे देते थे। अब मान लो राजा के पास खुद की कोई सेना नहीं होती थी उस टाइम पे, अब राजा सोचता था यार मैं अपना खुद का एक सेना बनाऊं, इतने सारे लोगों का देखभाल करूं, कैसे करूंगा, पॉसिबल नहीं है। तो राजा क्या करता था, इन सामंतों को जिम्मेदारी देता था कि अगर जरूरत पड़ने पर आप मेरे अधीन हो, ठीक है, जरूरत पड़ने पर आप मुझे इसकी हेल्प करोगे, आप इस सेना रखोगे, आपकी सेना मेरे लिए लड़ाई करेगी। आप में से जिसने भी गेम ऑफ थ्रोन देखा होगा तो उसमें सेवन किंगडम के बारे में बताया जाता है कि सेवन किंगडम है, जिसमें जो आयरन थ्रोन पे जो राजा बैठता है वो सभी सेवन किंगडम का मालिक होता है एक तरह से, ठीक है, सारे सेवन किंगडम उनके अंदर में वर्क करते हैं, ठीक है। तो राजा जो भी फैसला लेता है, तो अगर कहता है लड़ाई करना है किसी से, तो सारे सेवन किंगडम आएंगे अपनी सेना लेकर आएंगे, और राजा बोल देगा कि ये है, तो मतलब ओथ ले रखा है सबने, उसकी शपथ ले रखी है कि मैं आपके लिए काम करूंगा, तो वहां पे अपने आप ही वो आएंगे और करना पड़ेगा, ठीक है। आपने अगर गेम ऑफ थ्रोन देखी हो तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे, तो सेम इसी तरह की प्रक्रिया यहाँ पे चलती है। तो उसके लिए भी क्या करा राजा ने कि अधिकारियों की नियुक्ति कर दी, जिसके बाद इनकी जो पोजीशन होती थी वो खत्म होती चली गई, ठीक है। अब अधिकारी सब इसको लीड करते थे। अब अधिकारी क्या होता था, अधिकारी के पास उतना पावर होता नहीं था वो, क्योंकि वो राजा के अधीन काम कर रहा है। अब राजा ने किसी को अधिकारी नियुक्त किया है कि भैया आज से आपका ये काम है, तो उसको हटा भी सकता है। अगर मान लो राजा के साथ वो कुछ गलत करने की सोच रहा है कि मैं राजा की गद्दी पे कब्जा करूं या कुछ, और राजा ने उसको अधिकारी से नहीं हटा दिया, बर्खास्त कर दिया, तो खत्म हो गया उसका पावर, कोई दूसरा बंदा आया उसको पावर में मिल गया, समझ में आ रहा है। पर अगर वो सामंत है या जमींदार है, तो राजा अगर उसे बोल भी देता है कि आज से तुम मेरे लिए नहीं काम करोगे, तो ठीक है नहीं करूंगा, सामंत और जमींदार तो वो फिर भी है, ठीक है, फिर भी उसके पास पावर है, फिर भी उसके पास सैनिक है, तो ये सारी चीजें रहती थी, समझ में आ रहा है दोस्तों। आगे हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन की शुरुआत करेंगे भाई, ब्रिटेन से, कि ब्रिटेन के अंदर में किस प्रकार से नौकरशाही की शुरुआत हुई, ठीक है। तो ब्रिटेन के अंदर में कहा जाता है 1830 के दशक में जो वहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ थी नौकरशाही की, वो बढ़ती चली गई। इसका रीज़न क्या था कि सबसे पहले यहाँ पे राज्य कारखाने, ठीक है, जो कारखाने हुआ करते थे जहाँ पे काम करते थे, उसका निरीक्षण के लिए लोगों की नियुक्ति की जाने लगी, जो राजा रानी होती थी उनके द्वारा, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए, निगम परिषद के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए, गरीबों की राहत के लिए आदि क्षेत्रों में इसका नियुक्ति की जाने लगी, ठीक है। नियुक्ति करके फिर इसको सुधारने की कोशिश की जाने लगी, जिसको सुधार की लहर के तौर पे देखा गया, जो 1830 के दशक में चल रही थी सुधार की लहर, जहाँ पे उसको सुधार कहा गया कि भैया इसको हम क्या करें, इम्प्रूव करें चीज़ों को। क्योंकि इनका क्या मानना था ब्रिटेन के अंदर में कि अगर हम बेसिक चीज़ों को इम्प्रूव करें तो अपने आप धीरे 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 सिस्टम हमारा इम्प्रूव होता चला जाएगा, और इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया, ठीक है। इनका कदम क्या था कि इन्होंने राज्य के जो कारखाने, जो नस हुआ करते थे, नब्ज हुआ करते थे राज्य के, मेन मेन चीज़ें, उनको सुधारने की कोशिश की गई, ठीक है, जिसके बाद इनका मानना था कि आगे होगा। 1832 में आते आते इसमें इन्होंने संसदीय सुधार करा, संसदीय जहाँ पे संसद होता है, ठीक है, संसदीय सुधार का, जिसके अंदर में मताधिकार, जो वोटिंग का अधिकार को विकसित किया इन्होंने, ठीक है। साथ साथ भ्रष्टाचार के विरुद्ध, ठीक है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी इन्होंने कदम उठाए, जन अभियान चलाए गए, कई तरह के अभियान, जागरूकता अभियान चलाए गए, ठीक है, भ्रष्टाचार के सुधारक के गतिविधि के रूप में इस काम किया गया। 16वीं शताब्दी के अंदर में अधिकारियों की नियुक्ति की गई प्रॉपरली नौकरशाही के तौर पर, ठीक है। अब नौकरशाही के तौर पर अधिकारियों की नियुक्ति तो हो रही थी, पर यहाँ पे गड़बड़ क्या था कि इससे पहले जो सिस्टम चलता आ रहा था, ठीक है, उसमें क्या होता था, पैसे लेकर, ठीक है, 30 से 40 के दशक में इन सुधारों को बहुत ज़्यादा बुराइयाँ भी थी, इनको उखाड़ फेंकना था। पहले के जो बुराइयाँ थी, मतलब देखो
अभी राजा रानी आए, उन्होंने सुधार के कार्यक्रम चलाए जिसमें जो कारखाने होते थे, बाकी चीजें होती थी, नगर परिषद होता था, स्कूल होता था, गरीबों की शिक्षा होती थी, सेहत होता था, उसको लेकर उन्होंने कदम उठाए, उसको लेकर उन्होंने इम्प्रूव करने का कोशिश किया, कर रहे हैं। पर उससे पहले जो नियुक्ति होती थी अधिकारियों की, वो क्या होता था कि पैसे देकर कर दिए, ठीक है, किसी भी तरीके से मनमाने ढंग से नियुक्ति कर दी, ठीक है। तो इन सब के कारण से क्या हुआ, बहुत ज्यादा तकलीफ दिक्कतें होने लगी। पर शुरुआत में राजा रानियों के द्वारा इसके ऊपर में कोई अधिक एक्शन नहीं लिया गया, उसको टाइम दिया गया, धीरे धीरे पहले बेसिक चीजों को इम्प्रूव किया गया, बाद में इसके ऊपर में कदम उठाया गया। सबसे बुरी बात तो यहाँ पे ये थी कि लोगों की जो अधिकारी होते थे वो पद को खरीदते थे, ठीक है, पद को खरीदा जाता था, पोस्ट को खरीदा जाता था। कि अगर मान लो मुझे मुझे कोई पोस्ट चाहिए, ठीक है, मान लो मुझे सैनिक बनना है, ठीक है, या फिर किसी कमांडर बनना है, तो मैं गया, भैया मेरे इतने पैसे हैं, कितने लगेंगे इस पोस्ट के बता दो, उसने बोल दिया इतने, मैंने दे दिया, पोस्ट मेरा हो गया। तो इस तरह से मनमाने ढंग से पोस्ट को बेचा जाता था, और सबसे ज़्यादा इस सैनिक अधिकारियों के मामले में होता था, ठीक है। अब इन सबको ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रतियोगिता, ठीक है, प्रतियोगिता जैसे आजकल होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम हमारे भारत के अंदर में लिए जाते हैं, ठीक है, हम भी वहाँ से ही आए हुए, उनका ही पूरा सिस्टम, ब्रिटेन का ही हमारा सिस्टम चलता है, क्योंकि हम उनके गुलाम रहे हैं 200 सालों तक। तो काफ़ी हद तक जो हमारा ना सिस्टम है पूरा, वो ब्रिटेन के अकॉर्डिंग ही चलता है, ठीक है, ब्रिटेन में जिस तरह से सेम हमारे यहाँ पे भी है, ठीक है। तो जो आज के समय हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखते हैं वो वहाँ से ही लिया गया है, ठीक है। IAS IPS की जो पूरी एग्जाम होती है वो सारा प्रक्रिया वहीं की है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं किया हमने, वो उसी की प्रक्रिया को हम चलाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इस तरह के जो पद होते थे, जो पद को बेचा जाता था, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए प्रतियोगितावादी तरह से पेशेवर लोगों को नियुक्ति की गई, जो प्रतियोगिता कंपटीशन एग्जाम वो करवाते थे, ठीक है। उस कंपटीशन के बाद जो सेलेक्ट हुआ, जो व्यक्ति पास किया उस कंपटीशन को, उसकी फिर नियुक्ति की जाती थी उन पोस्टों पे। अब मान लो आपको अचानक से पता चले कल तक था कि भैया आप सोए रहोगे तो भी, मतलब मस्त अपने घर में बैठो, सोए रहो, कुछ भी करो, आपका नौकरी पक्की है। अब आपको अचानक से पता चल रहा है कि भैया आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा, तब आपको नौकरी लगेगा, तो आप क्या करेंगे बच्चे सब, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे तब ना बनेंगे, एग्जाम पास करेंगे। तो इस तरह से वो करने पे पेशेवर लोगों की नियुक्ति होने लगी, ठीक है। अब आगे यहाँ से बढ़ोतरी की शुरुआत होती है, क्योंकि अब पहले क्या था कि अब लोग क्या करें, पोस्ट खरीद ले रहे हैं, अब जो काबिल है वो तो ऐसे ही बैठा जा रहा है, रह जा रहा है, जिसके पास पैसा था उसने पोस्ट खरीद के वो काम नहीं कर रहा। तो अब लोगों ने यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया और पेशेवर लोगों की योग्यता सिद्ध करने के लिए परीक्षा, ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा की स्टार्टिंग करी उन्होंने। और अब जैसे देखो, अब उससे पहले जब परीक्षा प्रतियोगिता नहीं हो रही थी, तो उस समय क्या था कि ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई पे जोर नहीं दिया जाता था, ठीक है, पढ़ाई लिखाई पे जोर नहीं दिया जाता था और नॉर्मल तरीके से चल रहा था, ठीक है, इस तरह से चलता था। तो 18वीं शताब्दी के जब 18वीं शताब्दी चल रहा था, तो उस समय क्या होता था, स्कूली शिक्षा, ठीक है, नॉर्मली क्या होता था, स्कूली शिक्षा करके आए लोग, करके आने के बाद वहाँ पे 18वीं शताब्दी में जो कुलीन वर्ग थे, जो मतलब शाही लोग थे, या फिर जो वो अपर क्लास के जो लोग थे, वो कुलीन शिक्षा, मतलब अपनी शिक्षा करने के बाद ना जो विश्वविद्यालय की शिक्षा होती थी, यूनिवर्सिटी की शिक्षा होती थी, उसको अनिवार्य नहीं बताया जाता था, क्योंकि उनका ये मानना था कि शाही यात्रा करो, शाही यात्रा मतलब क्या, राज दरबार के अंदर में जो राजा रानी होते थे उनके पास रहो कुछ समय, ठीक है, जिससे वहाँ का जो रहन सहन बोल चाल है वो सीख जाओगे, वो सीख जाओगे तो फायदा ये रहेगा कि आपको पद दे खरीद लेंगे हम, पैसे देकर खरीद लेंगे, वहाँ पे आपकी नियुक्ति हो जाएगी, आप वहाँ पे आराम से काम सीख कर पाओगे। अब मान लो किसी लड़के को सेना में जाना है, किसी को आर्मी में जाना है, अब आर्मी में जाने के लिए बंदे को क्या बोला जाए कि अच्छा भैया तूने 10वीं पास कर लिया, 12वीं पास कर लिया, अब एक काम कर, तू फिजिकल और रिटर्न की प्रैक्टिस मत कर, ठीक है, तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़, अभी दौड़ना वोड़ना छोड़, क्या कर, एक ना आर्मी वाला बंदा है उसके घर पे जाकर तू रहना शुरू कर दे, तू आर्मी बन जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ देख कर वो सीखेगा कि वो आर्मी वाला करता है क्या है, ठीक है, बाकी पर वो फिजिकल खुद उस चीज़ के लिए ट्रेंड है या नहीं है ये डिपेंड करता है, ठीक है, वो जो एग्ज़ाम होगा उसको पास कर पाता है नहीं कर पाता है ये डिपेंड करता है आज के समय में, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होने लगी। 18वीं शताब्दी में क्या होता था कि जो कुलीन वर्ग होते थे अपनी शिक्षा कंप्लीट करने के बाद विश्वविद्यालय में बच्चों को नहीं भेजते थे, वो शाही यात्रा पे भेजते थे। शाही यात्रा में क्या होता था कि अलग अलग दरबारों में जो शाही दरबार होते थे वहाँ पे बच्चों को भेज दिया जाता था, जहाँ पर बच्चे सब वो रहते थे, सीखते थे। पर उसको धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में आते आते शाही यात्रा को खत्म कर दिया गया और जो विश्वविद्यालय की शिक्षा थी उसको अनिवार्य कर दिया गया। रीज़न क्या था विश्वविद्यालय की शिक्षा को अनिवार्य करना, कि जो ये जिस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अनाउंसमेंट किया गया कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे नियुक्ति होगी, तो उसके लिए भैया पढ़ेंगे तब ना आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती हैं। जैसे ही यहाँ पर ये विश्वविद्यालय की शिक्षा को इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी जो टॉप यूनिवर्सिटी है आज के समय में इंग्लैंड के अंदर में, वो सामने आ जाती है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है।
समझ में आता है। आगे बात करें दोस्तों, 1860 और 1870 के दशक में जो सुधार की लहर थी आगे बढ़ती है, ठीक है, आगे बढ़ती है। इसके अंदर में कई तरह की प्रतियोगिता होती है भाई, ठीक है। जो सुधार के लिए, जो मतलब सबसे पहली जो सरकार थी सुधार के लिए, जिनका नाम जाता है कि सबसे पहले जो सुधार की गई सरकार के द्वारा, ठीक है, W.A. गैल्स्टन, ठीक है, ये W.E. गैल्स्टन करके थे। 1867 से 1874 में इनकी सरकार बनी। इसके दौरान में 1870 में प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए प्रशासनिक सेवा में प्रवेश होने लगी। जो प्रशासनिक सेवा होते थे जैसे कलेक्टर, IPS, IAS, ये सारे जो हैं प्रशासनिक सेवा अधिकारी होते थे, इसके अंदर में इसका प्रवेश किया जाने लगा। और यहाँ पे जो सुधार की प्रक्रिया थी इसको माना जाता है जनक के तौर पर, कि भैया इनके टाइम में ही यहाँ पर प्रशासन के अंदर में सुधार किया जाने लगा, ठीक है। यहाँ पे जो कानूनी अदालत होते थे, ठीक है, 7 कानूनी अदालतों को मिलाकर एक कोर्ट ऑफ जुडिशरी बनाया गया, जो बड़ा कोर्ट बनाया गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है भारत के अंदर में, हाई कोर्ट होता है, तो छोटी छोटी अदालतों को मिलाकर एक बड़ा कोर्ट बनाया गया। जो राजा रानी होते थे वो उनकी जो अदालतें होती थी, ठीक है, लॉर्ड्स ऑफ हाउस कहा जाता था, ठीक है। आप गेम ऑफ थ्रोन, आप बहुत सारी चीज़ें पता है आपको गेम ऑफ थ्रोन से सीखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। बहुत सारी लाइफ लर्निंग लेसन गेम ऑफ थ्रोन से मिलेंगी। मैंने इवन खुद 2 बार देखा है गेम ऑफ थ्रोन को, पूरे सीजन को, ठीक है। एक टाइम वेस्ट है बट बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी अगर आप सीखने के प्रोस्पेक्टिव से देखते हो तो, ठीक है। या जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है तो वहाँ पे भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेगा गेम ऑफ थ्रोन में, जो फैसला करते हैं किसी चीज़ का, हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभी राजाओं का एक समूह। तो ये जब ढीले डाले पड़ जाते हैं तो अब इसके बाद यहाँ पे जब ढीले डाले पड़ जाते हैं सारे राजे, तो यहाँ पे जो न्याय की प्रक्रिया उसको चेंज की जाती है और 7 अलग अलग अदालतों को मिलाकर एक बड़ा अदालत बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये न्याय की प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जब ये समय के साथ आगे बढ़ते हैं तो 1873 के करीब में, 1873-74 के करीब में आते आते यहाँ पे अलग अलग तरह की मांग उठती है। अब जैसे मान लो मुझे पहले पता नहीं था कि क्या क्या चीज़ें हैं, अगर अब मुझे धीरे धीरे अपने राइट्स पता चल रहा है, अधिकार पता चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अपने अधिकार की मांग करूँगा कि भैया मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो जो वहाँ पे मजदूर वर्ग था उसने सबसे पहले तो ना जो विश्वविद्यालय पे चर्च का अधिकार होता था इन्होंने ये खत्म किया, ठीक है। W.E. गैल्स्टन ने इन्होंने चर्च पे विश्वविद्यालय का अधिकार खत्म कर दिया। विश्वविद्यालय पे चर्चों का अधिकार होता था भैया कि पॉप पढ़ाएंगे, पॉप के द्वारा पूरा होगा, वो अधिकार खत्म किया सबसे पहले। उसके बाद काम की अवधि, जो एक टाइम पीरियड तय किया गया कि 7 दिन के अंदर में कितना काम किया जाएगा, तो 56.5 घंटे ही काम करे एक व्यक्ति, ठीक है, जो मजदूर है, 7 दिन के अंदर में ये तय किया गया, 1 हफ्ते के अंदर में 56.5 घंटे ही काम करेगा। क्योंकि लोगों से क्या होता था, मनमाने ढंग से काम करवाया जाता था। अब जिसकी कैपेसिटी मान लो 2 घंटे काम करने की, उससे करवा रहे 12 घंटे, अब वो नहीं कर सकता था। तो एक काम की अवधि तय की गई कि भैया कम से कम इतना देर तो आपको काम करना पड़ेगा 7 दिन के अंदर में, ठीक है। रोजगार के लिए कानूनी उम्र तय की गई। अब किसी बच्चे को, किसी भी बूढ़े को रख ले रहे थे तो भैया इसके लिए कानूनी उम्र तय की गई, ठीक है। सप्ताहांत छुट्टी, जो छुट्टी की शुरुआत होती है, जैसे आज के समय भारत के अंदर में भी संडे का छुट्टी प्रचलन है, ठीक है, तो वहां पे छुट्टी की शुरुआत जो देखने के लिए मिली वो वहीं से मिलती है दोस्तों, ठीक है। जल निकासी की प्रणाली, किस तरह से उनके घरों का निर्माण किया जाना, जल निकासी की प्रणाली, भोजन और दवाइयाँ, जो बेसिक मूलभूत चीज़ें हैं उनकी ज़रूरतों की, उसका देना, ठीक है, सुरक्षा देना, ये सारी चीज़ों की शुरुआत वहाँ पे इस तरह से की जाने लगी। तो यहाँ पे माना जाता है कि जो ब्यूरोक्रेसी वो प्रशासन व्यवस्था में लाया गया वो यहाँ पे सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ और वो पूरी तरह से विकसित होता चला गया, ठीक है। ये समझ में आता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने ब्रिटेन के बारे में पूरा पढ़ लिया, अब आते हैं हम बात करते हैं फ्रांस के बारे में, ठीक है। फ्रांस के बारे में यहाँ पे आपने नेपोलियन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। नेपोलियन फ्रांस का एक बहुत बड़ा शासक के तौर पे जाना गया। फ्रांस के अंदर में सर्वसत्तावादी शाही शासन था, ठीक है, जिसके अंदर में मुख्यतः नेपोलियन अपनी क्षमता के लिए मशहूर था, उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे थोड़ा सा अलग हुआ, फ्रांस और ब्रिटेन में थोड़ा सा अलग हुआ। ब्रिटेन के अंदर में जो चीज़ें थी, जो सारी चीज़ें डेवलप होने में मतलब 50 साल से ज़्यादा समय लगा 19वीं सदी के बाद भी, ठीक है, पर सबसे तेजी से जो विकसित हुआ वो फ्रांस और रसिया में हुआ। फ्रांस में फिर भी कई जगह पे दिक्कतें हुई। यहाँ पे नेपोलियन का एक सपना था, ठीक है। नेपोलियन का सपना क्या था कि जो भी मैसेज हो, अगर मुझे किसी तरह का इम्प्रूवमेंट करना हो अपने सिस्टम के अंदर में और वो मैसेज धूम है, तो बहुत ही तेजी से, बिजली की तेजी से वो नीचे तक पहुंचे। बिजली की तेजी से, बिजली की तेजी से कहने का मतलब क्या, मान लो प्रधानमंत्री ने अपने जो कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर में किसी को बोला कि भैया कल से सभी व्यक्ति को मतलब मान लो दी ना को जाके सब्सक्राइब करना है, सपोज करो ऐसा मान लो बोल दिया कि सभी, जब आप जाओ और सभी बच्चों को बोलो कि दी ना को सब्सक्राइब करें, फॉर एग्जाम्पल है, दिल पे मत लेना, ठीक है, तो इस तरह से करना। पर अगर नहीं कर रखा आपने सब्सक्राइब तभी कर लें, ठीक है, आपके लिए फायदा होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी, ठीक है, और भी कई तरह के कोर्सेज स्टार्ट होंगे, तो आप अगर जुड़े रखे हो तो आपको समय पर अपडेट मिलेगा और आप कर सकते हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी ने बोला कि आपको इस एनजीओ को डोनेशन देना है,
ठीक है, प्रधानमंत्री ने बोला, जैसे अभी पीएम केयर फंड था, तो उन्होंने क्या किया, अपने मंत्री को बोल दिया कि भैया इसमें डोनेशन देना है। अब प्रधानमंत्री एक एक मंत्री को जाकर के थोड़ा ना बोलेंगे कि भैया इसमें डोनेशन देना है, इसमें डोनेशन देना है, इसमें डोनेशन देना है, ऐसा तो होगा नहीं। एक एक मंत्री को एक एक उसको थोड़ा ना बोलेंगे। प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग के अंदर में मान लो 50 मंत्री आए, 50ों को उन्होंने बोल दिया भैया इसमें डोनेशन देना है। 50ों मंत्री ने सुना, 50ों मंत्री ने अपने सचिव को बोला कि भैया इसमें डोनेशन चाहिए। सचिव ने आगे पास किया आईएएस को, आईपीएस को, जो कलेक्टर होते थे, जिलाधिकारी होते थे, उनको पास किया। ठीक है, वो मान लो विद इन घंटे के अंदर में, 1 घंटे के अंदर अंदर में वो पूरे कंट्री के एक एक लोगों को पता चल जाता है कि भैया इसको डोनेशन देना है। ठीक है, ये क्या हुआ, बिजली की तेजी से काम करता है। अब जैसे देखो, एक प्रधानमंत्री उसके अंदर में मान लो 50 50 अधिकारी वर्क करते हैं। ठीक है, 50 जो है कैबिनेट मंत्री वो वर्क करते हैं, और हर कैबिनेट मंत्री के अंदर में मान लो 50 50 लोग वर्क करते हैं, और हर एक व्यक्ति के अंदर में 50 है, इसी तरह से मतलब 50 50 का चयन बना हुआ है। ठीक है, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, इसी तरह से सबको पता चल रहा है। बिजली की तेजी से वो कार्य इम्प्लीमेंट होता है भारत के अंदर में भी, मतलब वो लोगों तक पहुंचता है। बट जब रिटर्न जो उसका जैसे ना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जैसे मान लो आपने पैसा डाला बैंक में, उसका इंटरेस्ट भी उसी बिजली की तेजी से मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। मान लो प्रधानमंत्री किसी को 10 रुपये देते हैं कि भैया इस वाले गरीब बंदे को ना 10 रुपये मिलना चाहिए, पर वो आते 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 2 4 पैसे बचते हैं। आपने राजीव गांधी का एक सुना होगा कई बार कि 5 रुपये देता हूँ, 2 पैसे 4 पैसे जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें होता, तो हमें उसका इंटरेस्ट नहीं मिलता है भारत के अंदर में, हमें देखने के लिए मिलता है। तो नेपोलियन ने यहाँ पे फ्रांस के अंदर में इस चीज को बहुत ज्यादा गौर किया, और उसने बोला भैया कि जो भी चीजें हम करते हैं वो क्या होना चाहिए, बिजली की तेजी से आगे जाना चाहिए। तो उसने बोला कि जिला अधिकारी के अंदर में 83 विभाग आते हैं, उसके नीचे ही 36 इलाके आते हैं, 36,000 लोग आते हैं, कम्युनियो आते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं वो आते हैं। तो यहाँ तक बात पहुँचनी चाहिए, अगर मेरी बात एक एक लोग तक पहुँचेगी तब जाके इम्प्लीमेंट होगा। अगर मैं बोलूँ आपसे और आप अपने फीस रख लो, अगर मान लो प्रधानमंत्री बोलते हैं किसी से कि भैया कैबिनेट में अपने बोल दिया कि ये वाला काम करवाना है, और कैबिनेट वाले आगे ने बताया नहीं किसी को, तो वो क्या होगा, कभी इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस तरह क्या है कि आगे वो बात बढ़े उसके लिए क्या होता है, स्टेप उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे नेपोलियन इस तरह की चीज़ों पे वर्क करते हुए हमें दिखता है। ठीक है, आगे बात करोगे दोस्तों, तो 1866 में आते आते 37% मेयर जो थे वो किसानों की नियुक्ति, यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया का शुरुआत किया गया। जैसे ब्रिटेन में क्या था कि प्रतियोगिता की स्टार्ट की गई थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टार्ट की गई, पर यहाँ पे फ्रांस के अंदर में चुनाव के जरिए मेयर वेयर चुना जाने लगा। ठीक है, जिसके तहत क्या उनको नेपोलियन का मानना था कि अगर चुनाव करके लाएंगे तो फिर वो लोग अपने आपस में वर्क करेंगे, अपने कोऑर्डिनेट करके अच्छे से काम करेंगे। पर अभी क्या होने लगा कि जैसे भैया मैं राजपूत हूँ तो मुझे राजपूत वाले वोट देना। ठीक है, तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता कि यादव है तो यादव वाले वोट देंगे, पंडित है तो पंडित जी वाले वोट देंगे, ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं होता, अदर कंट्री में भी ये देखने के लिए मिलेगा आपको। तो फ्रांस में भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक फैलती चली गई। वहाँ पे पहला जब 1866 में चुनाव हुआ तो उसमें 37% जो थे मेयर किसान बन गए, धीरे धीरे इनकी संख्या और बढ़ती चली गई। 46% मेयर छोटे छोटे कम्यूनों जो हिस्से थे वहाँ से बनते हुए आते चले गए। ठीक है, उसके बाद इन सब चीज़ों को देखते हुए फ्रांस के अंदर में क्या हुआ, नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत की जाने लगी 1880 में। ठीक है, 1880 के दशक में लागू हुआ, जिसके इस प्रक्रिया ने गति पकड़ी। फिर जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में ज़्यादातर मामलों के अंदर में फ्रांस के अंदर में क्या हुआ कि ये पूरी तरह से लागू कर दिया गया। प्रतियोगितावादी परीक्षा होती थी, प्रतियोगिता होती थी, उसके बाद इनका अपॉइंटमेंट किया जाता था, नौकरशाही लोगों का, ब्यूरोक्रेसी का। ठीक है, समझ में आता है ये। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों रूस की। ठीक है, रूस के अंदर में 1917, रूस की आपको पता होगा 1917 की क्रांति। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, 1919 की जो 1917 की जो क्रांति थी उनको किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो दोस्तों, आपका अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना वीडियो पे, मैंने कुछ क्वेश्चन डाला आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है, ठीक है, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं कर रहे, तो ये डिमोटिवेशन का एक कारण होता है, जिसके कारण से वीडियो डालने का मन नहीं करता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, क्या रीज़न है सर हमारा, करवा दीजिए काम, और आधा अपने करवा के छोड़ रखा है। तो रीज़न इसका एक सबसे बड़ा ये भी है कि रिस्पॉन्स नहीं मिलता उसके हिसाब से। अभी जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 1917 की जो क्रांति हुई रूस की उसको किस किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके बताएं। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, किसी से पूछिए। ठीक है, आपको पता चलेगा, नॉलेज ही मिलेगा आपको, कमेंट करके सिर्फ आंसर देना है उसके अंदर में। ठीक है, 2 4 सेकंड से भी कम लगता है टाइम, फटाफट कर सकते हैं। तो आपको बताना है क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, 1917 की क्रांति को किन किन नामों से जाना जाता है। अब देखो रूस के अंदर में क्या होता है, 1917 के बाद उसके अंदर में एक दिखता है सारा चीज़ें, जितनी भी चीज़ें इंप्लीमेंट हुई थी अदर अदर कंट्री में, यहाँ पे रूस में बहुत ही तेजी से इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे रूस के अंदर में 19वीं सदी के अंदर में सत्ता का संकेंद्रीकरण किया जाता है, कि मतलब
सत्ता का सकेंद्रीकरण, एक केंद्र में बांध देना, इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो रूस के लोगों का क्या कहना था कि भैया हमें कुछ नहीं करना है, हमें ब्रिटेन की तरह ये इसमें सुधार उसमें सुधार करने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन चीज़ क्या है, बेसिक चीज़ क्या है कि लोग अशिक्षित हैं, लोगों के पास नॉलेज नहीं है। तो लोगों को नॉलेज दो, लोगों को ज्ञान दो। जैसे ही हम ज्ञान देंगे, नॉलेज देंगे, वो अपने आप ही शिक्षित होते चले जाएंगे, सब कुछ अपने आप सुधरता चला जाएगा। आज की जो पीढ़ी है वो बहुत हद तक इम्प्लीमेंट कर रही है हमारी भारत के अंदर में। अगर हम अपने बच्चों को सही ज्ञान सही शिक्षा देंगे तो वो अपने आप ही विकसित होंगे, सही से आगे बढ़ेंगे। अगर हम शिक्षा देंगे ही नहीं, सही हम नॉलेज देंगे ही नहीं, उनको सही नॉलेज पास आउट करेंगे ही नहीं, तो आगे कैसे विकसित होंगे, कैसे हमारे देश का विकास करेंगे। तो रूस ने इस चीज़ पे वर्क किया और उसने क्या किया, अपने जो शिक्षा वर्ग था उसको विस्तार किया, नए नए विश्वविद्यालय खुलवाए उन्होंने, नई तरह की शिक्षा अपना ली, प्रणाली को अपनाया उसने, ठीक है, समान प्रतियोगिता रही, ठीक है, जिसके अंदर में अलग अलग तरह से नियुक्तियाँ की जाने लगी। और 60 के दशक में महान सुधार चलाए गए, जिसके अंदर में भूदास प्रथा जैसे जो होती थी ना, जमीनों को बंधक बना के रखना, ठीक है, मजदूरी वाली प्रथा होती थी, इन सबको खत्म करता चला गया और समान दृष्टि से सबको देखा जाए, इस तरह की शुरुआत की जाने लगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ ले, ठीक है, आपको व्हाट्सअप नंबर चाहिए व्हाट्सअप पे पूछ ले, कॉल करके पूछना, कैसे भी यू कैन आस्क, ठीक है, आप कमेंट कर देना, मैं लिंक दे दूंगा व्हाट्सअप का, एमए हिस्ट्री का, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आप कमेंट करके पूछ सकते हो, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो कि सर ये वाला का क्या था, मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे रूस के अंदर में क्या होता है कि इन्होंने बेसिक चीज़ों को पकड़ा। ब्रिटेन ने क्या किया था कि भैया पहले देखा, एनालाइज किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक जगह इंप्रूव किया। इन्होंने बोला कि हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस की तरह सोचना ही नहीं, हमें क्या करना है, सिर्फ शिक्षा को इंप्रूव करना है। जैसे हम शिक्षा को इंप्रूव करेंगे, लोग को समझ में आ जाएगा। आज मान लो आप किसी को गाली देते हो, ठीक है, तो रीज़न क्या है कि आप उतने ज़्यादा शिक्षित नहीं हो, आपके अंदर उतना संस्कार नहीं। अगर आपके अंदर में वो संस्कार आ जाए कि आपको बड़े से तमीज़ से बात करना है, ठीक है, किसी को गाली देना अच्छा नहीं होता है, आपको ये मैनर पता चल जाए, तो आप क्या करोगे, खुद ही एम्बेरस फील करोगे गाली देने में, किसी को कुछ बोलने में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें रूस ने अपनाया, जिसके कारण से क्या हुआ, जो जो ब्रिटेन को टाइम लगा 19वीं शताब्दी के बाद से, 50 साल से ज़्यादा समय लगा इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने में, जो जबकि रूस को इससे कम समय में ही पूरा हो चुका था, ठीक है। तो इसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति करी। रीज़न क्या था कि इन्होंने शिक्षा दर को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया, ठीक है, इसके कारण से शिक्षा दर जो इम्प्रूव हुआ, तो लोगों ने देखा कि भूदास प्रथा जैसी चीज़ें चल रही हैं उसको ख़त्म किया इन्होंने, ठीक है, जड़ से उसे मिटाते चले गए। आगे इन्होंने क्या किया, यूनियन ऑफ राइट्स की स्थापना करी, जहाँ पर अलग अलग लोगों का अधिकार, जैसे अभी रूस के अंदर में क्या होता, मजदूरों के लिए टाइम सेट करना, ये करना, तो उन्होंने बोला कि मजदूरों का ही क्यों भाई, जरूर थोड़ा है कि सिर्फ मजदूरों के साथ ही नुकसान हो सकता है, ठीक है, क्या पता किसी बड़े जो अधिकारी वर्ग है उसके साथ में भी हो, कुलीन वर्ग के साथ में भी कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, उसको भी जरूरत पड़ सकती है। आप मान लो किसी को बोल दो कि भैया आप ये हैं। आज के समय में भारत में क्या होता है कि फेमिनिस्ट, आपने देखा होगा लखनऊ वाली लड़की का, और ऐसे बहुत सारे इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें सरकार ने एक तरफा वुमेन्स को राइट दे दिया कि आपके अपने खिलाफ ये चीज़ें कर सकते हैं, और जरूरी भी है। रीज़न क्या है कि उनके खिलाफ बहुत सारे इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं जो बहुत असहनीय है, पर कई बार क्या होता है उसका मिसयूज़ किया जाता है। तो दोनों तरफ से पर्डल जो सरकार को क्या करना चाहिए, इस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे दोनों साइड इक्वल हो, ठीक है। तो रूस ने इस चीज़ को किया, तो वहाँ पे यूनियन ऑफ राइट्स की स्थापना की गई, जिसके अंदर में हर तरह के किसी का अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो वो उसमें जाकर अपना अपील कर सकता है, उसको अपने अधिकारों के बचाव के लिए कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें चल रही थी दोस्तों, ये पूरा नौकरशाही था। इसके तहत पदवियाँ उपलब्धियाँ दी गई, दी जाने लगी रूस के अंदर में, ठीक है, ये जो ज़्यादा आगे चलता रहा, ठीक है। तो ये पूरा रूस के अंदर में हुआ दोस्तों, जो आगे का आप आगे हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था, 28 मिनट हमने ऑलमोस्ट पढ़ा, तो ये यहाँ तक ही था। नेक्स्ट जो हम इसका मैं पार्ट करवाऊँगा आपको, कल हो सके तो मैं डाल दूंगा, जिसमें हम बात करेंगे राजनीतिक पार्टियों में नौकरशाही, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, कि राजनीतिक पार्टियों के अंदर में किस तरह से नौकरशाही फैल रही थी। इसमें भी हम अलग अलग कंट्री का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, तो इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन के अंदर में जो मैंने वीडियो के अंदर में जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, सॉरी, आप उसका कमेंट करके आंसर दे सकते हो कि 1917 की जो क्रांति है, जो रूस के अंदर में क्रांति हुई, रूस की क्रांति, उसको किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। 3-4 नाम है, आप बता दीजिए, जिसमें से एक तो मैंने खुद ही बता दिया रूस की क्रांति, आप और भी जो नाम है आपको पता है तो बताइएगा कि 1917 की क्रांति को किन किन नामों से जाना जाता है। गूगल कर लीजिए, अपने बड़े भाई घर में जो भी हैं बुक्स हैं उससे पता कीजिए, पूछिए, पढ़िए, आपको आइडिया मिलेगा। और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन बटन है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 29 रुपये का एक छोटा सा पेमेंट होता है, जिसके बाद आप हमारे मेंबर बन जाओगे। और अगर आपको कभी भी किसी तरह का डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपका कमेंट स्पेशली हाईलाइट होता है, तो मैं मतलब मजबूरी हो जाती है कि यार हाईलाइट हो रहा है दिख रहा है उसको, मतलब बाकी कमेंट क्या होते हैं हट भी जाते हैं, दिखते नहीं है कई बार, पर आपका हाईलाइट हो रहा है तो दिख रहा होता है, वो हटा नहीं सकते वहाँ पर, उसको फिर आपका रिप्लाई देना पड़ता है, तो आपका कमेंट का रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको सब्सक्राइब मेंबरशिप भी ले सकते हैं,
फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, किस तरह का रिस्पॉन्स रहा इस वीडियो का, आपको कितना समझ में आया ये भी जरूर बताएं, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाना बेकार है। ठीक है, मैंने 29 मिनट नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ, ठीक है, एक भी बिना कट लिए वीडियो के अंदर में, और इतना 29-30 मिनट बोलना आपको समझ में ना आए तो बेकार है मेरा। ठीक है, तो अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा है, जिससे मैं आगे के लिए वर्क करूँ, आगे वीडियो बनाऊँ। ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर मैं यहीं पे स्टॉप करूँ, आगे ना बढ़ाऊँ इस वीडियो को, ज़्यादा बेटर रहेगा। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।